रहस्यों और प्राचीन मान्यताओं की साक्षी भारत भूमि, जहां हर कदम पर एक परालौकिक शक्ति से साक्षात्कार हो ही जाता है। ऐसे ही एक प्राचीन देवस्थल पर आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं, जो मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में कलकल प्रवाहित हो रही नर्मदा नदी पर लम्हेटा घाट से लगे हुए ग्राम गोपालपुर में स्थित है, श्री पशुपतिनाथ शिव मंदिर। इस प्राचीन शिवालय के पवित्र स्थल में अतीत और वर्तमान एक साथ सामंजस्यपूर्ण नृत्य में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे ही आप इस शिवालय में कदम रखते हैं, अपनी इंद्रियों को आदि योगी शिव के प्रति जागृत होता पाएंगे। गर्भगृह में प्रवेश करते ही आप अपने सामने भगवान शिव की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस कर सकेंगे। शिवलिंग के दर्शन होते ही आप परालौकिक शक्ति के प्रति समर्पण के लिए आमंत्रित होने लगते हैं। यह शिवलिंग अपने आप में रहस्यमयी है। इस विषय में जानते हैं यहाँ के शिव सेवक श्री राजेश शास्त्री जी से। ओम श्री पशुपतिनाथ आय नमः। भगवान पशुपतिनाथ शिवलिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं। पंचमुख शिवलिंग भगवान श्री पशुपतिनाथ गोपालपुर क्षेत्र नर्मदा के उत्तर भाग में स्थापित मंदिर। शिवलिंग की विशेषताएं जब हम प्राथमिक दर्शन करते हैं प्रथम ओर से, तो भगवान की चंद्र आकृति और सामने से उनके चंद्रमौलीश्वर स्वरूप भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन होते हैं। जब द्वितीय मुख के हम दर्शन करते हैं तो भगवान श्री गणेश जी की आकृति हमको प्रतीत होती है, और तीसरे मुख भगवान का नागराज के रूप में खुला पीछे से आकृति उनकी हल्की सी झुकी हुई प्रतीत होती है, और चतुर्थ मुख के हम दर्शन करें तो भगवान नंदीश्वर महाराज के रूप में भगवान विराजित हैं, और पांचवे मुख माँ जगदम्बा माँ पार्वती जी आदि शक्ति के रूप में। इस तरह पंचमुखी शिवलिंग भगवान अनादिकाल से यहाँ पशुपतिनाथ महादेव गोपालपुर ग्राम नर्मदा के उत्तर भाग में स्थापित हैं। ऊपर श्री यंत्र पर बना है, और इसके प्रमुख विशेषता भक्तों का विशेष लगाव बाबा से जो विशेष लगन रखते हैं, और उनका विशेष शिवलिंग रहा है, और जिनसे उनकी आस्थाएं और भावनाएं जुड़ी हैं, जिनसे लोग प्रतिदिन आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। जहाँ आस्थावानों के शीश श्रद्धा से झुक जाते हैं, हृदय भक्ति से जगमगा उठते हैं, और अंतर मन में मार्गदर्शन और आत्मज्ञान की भावना लिए होते हैं, ऐसे ही एक शिव भक्त श्री विनीत सोनी, जिन्होंने इस तीर्थ के महत्व और इतिहास पर और प्रकाश डाला। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को महादेव की ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और महादेव सबको बहुत आनंद प्रसन्न रखें और सबको सुख शांति प्रदान करें। जैसा कि ये पशुपतिनाथ महादेव मंदिर गोपालपुर लम्हेटा घाट में स्थित है, यह महादेव मंदिर अनादि काल से इस मंदिर में है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर राजा बलि के द्वारा सोवा यज्ञ किया गया था इस नर्मदा जी में। उस समय से उस प्राचीन मंदिर है, इसकी धीरे धीरे भव्यता बढ़ती जा रही है। रोज शाम को प्रतिदिन सायंकालीन 7 बजे प्रभु के एक सायंकालीन आरती होती है, जिसमें भक्तों के द्वारा प्रभु का जो जिससे भाव से श्रृंगार बनता है श्रृंगार करते हैं। यहाँ के पुजारी हैं वर्तमान में पंडित श्री रामचंद्र जी तिवारी और उनके पुत्र श्री राजेश शास्त्री जी। विशेष उत्सव प्रति सोमवार लोगों के बहुत भीड़ रहती है। सावन का महीना है, जैसे इस वर्ष 2 सावन पड़ने वाले हैं। प्रतिदिन सावन में प्रदोष के हर प्रदोष में कई लोग आते हैं अपने मतलब साथियों के साथ। सवेरे 7 बजे से बाबा का अभिषेक का कार्यक्रम जो चालू होता है, तो रात तक अभिषेक का कार्यक्रम चलता रहता है। बीच बीच में जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, तो कभी भंडारे का आयोजन होता है, कभी यज्ञ होता है, कभी महामृत्युंजय यज्ञ का, मतलब यहाँ पर प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन धार्मिक कार्य होते रहते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का प्रत्येक कदम प्रत्येक भेंट उनके अटूट विश्वास और परमात्मा के प्रति अटूट संबंध का प्रमाण है। यह यात्रा आपके भीतर के साधक को जागृत करे
और आध्यात्मिक विकास पर आपका मार्गदर्शन करे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। जुड़े रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।